अगर आप CUET के थ्रू वोकेशनल स्टडीज़, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि BVOC, जिसको कि बोलते हैं बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, अगर आप मेन BHU कैंपस में एडमिशन लेंगे तो BVOC सिर्फ आर्ट्स फैकल्टी के अंदर है, और वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपने दो सेक्शन का एग्जामिनेशन दिया था, 1A और 2, जो कि लैंग्वेज टेस्ट था, और दूसरा था कंप्यूटर साइंस या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो अगर आपने ये एडमिशन दिया है तो आप BVOC कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं जो राजीव गांधी साउथ कैंपस BHU के बरकच्छा में, साउथ कैंपस में जो वोकेशनल कोर्स चलते हैं उनकी अब हम बात करते हैं। सो पहला वोकेशनल कोर्स है रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो आपने यहाँ पे दो अगर टेस्ट दिए होंगे तो आप इस कोर्स के लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हैं। दूसरा है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, सेम एग्जामिनेशन, मेरिट का अभी नहीं पता है, अगर 320-340 है सो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, हो सकता है उससे कम पे भी मेरिट जाए। तो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का वहाँ वोकेशनल कोर्स चलता है। उसके बाद फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपीरल डिज़ाइनिंग का भी वोकेशनल कोर्स है, जो मैं सबसे अच्छे समझता हूँ। वहाँ पे जो RGSC के अंदर कोर्स चलते हैं वो हैं फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट एंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये दोनों ही वोकेशनल कोर्स बहुत ही अच्छे हैं, इनके प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया हैं, मैंने कई स्टूडेंट्स को गाइड किया है एंड दे ऑल आर इन अ वेरी गुड प्लेस। जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के हैं वो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, लैब्स में प्लेस हो चुके हैं। जो फूड साइंस के लोग हैं वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD के बाद रिसर्च में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर interested to join the vocational courses in BHU through CUET. Thank you. Have a nice day. All the very best. Koi bhi doubt ho vocational course ka, so you can ask me anytime. Thank you.